बिहार के आरा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक शादी समारोह के दौरान दूल्हे के दोस्त को दुल्हन का हाथ पकड़ना और उसे स्टेज पर डांस कराने की कोशिश करना भारी पड़ गया। इससे बीफर दुल्हन ने दूल्हे के साथ साथ फेरे लेने से मना कर दिया। दुल्हन के इस फैसले से बाराती और घराती सकते में आ गए। वहीं इस घटना के बाद बिना बारात को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ गया। जिले के बहिया नगर का ये पूरा मामला है। दरअसल हुआ यू कि बहिया के डॉफ बंगला चौक के समीप लॉज में बक्सर जिले के इटांडी से बारात आई थी। वर पक्ष और दुल्हन पक्ष के लोग विवाह समारोह में जुटे हुए थे। दोनों तरफ से शादी की रस्में पूरी करने की तैयारी चल रही थी। तभी रात करीब 11 बजे गाजे बाजे के साथ दूल्हा अपनी दुल्हन के यहाँ बारात लेकर पहुँचा। बारात लगने के बाद जयमाला की रस्म खुशी के साथ संपन्न हुई, लेकिन जयमाला के बाद बाराती पक्ष की ओर से दूल्हे के एक दोस्त ने स्टेज पर दुल्हन का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ डांस करने की कोशिश करने लगा। बस इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर वर वधु के बीच तू मैं होने लगी। देखते ही देखते बाराती और दुल्हन के लोग आपस में भिड़ गए। इस पूरे मामले के होने के बाद दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन को समझाने के लिए पूरी रात और दिन समझौता वार्ता भी चली, लेकिन दुल्हन शादी की अधूरी रस्में पूरे करने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके बाद बिना दुल्हन के पूरी बारात वापस लौट गई।